सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं? और अब हम किचन में आ चुके हैं और हम फटाफट नाश्ता तैयार करते हैं, और क्योंकि आज मुझे बहुत ही काम है। और आज हम नाश्ते में बना रहे हैं ब्रेड और ऑमलेट, जिसकी तैयारी हम फटाफट कर लिए हैं। और ये देखिए, हम ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। उधर हमने चाय भी गैस पर रख दी है, और आज मुझे बहुत काम है क्योंकि घर में सब बेड शीट वगैरह बदलनी है। और आज अभी हम नहाए भी नहीं है क्योंकि हमको सफाई करनी है, और सफाई करके नहाएंगे। और ये मेरा ऑमलेट तैयार हो गया, इस पर हम ब्रेड लगा रहे हैं। और इस तरह का नाश्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये फटाफट तैयार भी हो जाता है। उधर चाय देखिए मेरी पक चुकी है, और ये मेरी ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है। और एकदम फटाफट चाय निकालें क्योंकि बहुत ही देर हो रही है। और इधर हमने सफाई करना शुरू कर दी है, तकियों और कुशन कवर पे कवर चढ़ा रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड कुछ मेरी मदद कर रहे हैं, और जिस दिन सफाई होती करना होता है उस दिन बहुत ही काम बढ़ जाता है। वैसे तो डस्टिंग रोज ही की जाती है, मगर बेडशीट बदल नहीं, और इधर काफ़ी दिन से आंधी चल रही है जो घर में डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये देखिए जाले लग जाते हैं, जो कि छोटे छोटे जाले महीन लगे होते दिखते नहीं हैं। हम झाड़ू से जाले छुटा रहे हैं। और ये अलमारियों की डस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि धूल हल्की हल्की परत जम जाती है। और ये मेरी बेडशीट हमने बिछा दी है, पिलो पे कवर भी चढ़ गया है। अब सब हम लगाने जा रहे हैं। और ये मेरी बेडशीट तैयार हो गई है बिस्तर पे। और ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी गंदा था काफ़ी, क्योंकि डेली तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह हटाई नहीं जाती है, हफ्ते में एक बार ही हम सब हटा के साफ करते हैं। और ये हम आगे कमरे में आ गए हैं, यहाँ के भी हम पिलो कवर वगैरह सब बदल रहे हैं। और आज का मौसम भी लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है, बाहर हवा बहुत तेजी से चल रही है। ये देखिए बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, लग रहा आंधी पानी आने वाली है। और ये मेरे घर में मछली पली हुई है, इसमें एक बची हुई है और सारी मछली मर गई है। अब लॉकडाउन ख़त्म हो तो और मछली ला के इसमें डालें, क्योंकि बेचारी अकेले मछली घूमती रहती है। और ये मैंने आगे एक बिस्तर भी सही कर दिया है, और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है, अब मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। और फटाफट हम काम ख़त्म करके नहाएंगे। और ये आगे हम मेज को पोछ रहे हैं, और इतनी देर में मेरे पति ने मुझे कॉफ़ी बना के दे दी है, जो कि मुझे बहुत ही राहत मिली पी के, थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं आराम से चुस्की लेके कॉफ़ी पी रही थी। अब फटाफट मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और देखिए पोछा भी लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे सफाई करते हुए। और नहा के मैं निकल आई हूँ बाहर, और बाल सुखा रही हूँ। और उतनी देर में ही मेरे पति ने उधर
मेरा बहुत हेल्प की, उन्होंने फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी थी, जो कि मुझे बहुत ही आराम हो गया कि मुझे जाके तुरंत नहा के किचन में खाना नहीं बनाना पड़ा। और ये देखिए मुझे बहुत ही भूख लगी सभी को, और मैंने खिचड़ी निकाल ली है, और खिचड़ी के साथ में हमने इन्होंने सलाद और टमाटर की चटनी बनाई है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ में। और ये खाने निकल आया है, चलिए हम लोग भी लंच करने जा रहे हैं, आप लोग भी फटाफट लंच करके आइए। और देखिए हम आपसे कह ही रहे थे कि मौसम बिगड़ रहा है, और देखिए काफ़ी मौसम बिगड़ गया है, और ये बरसात के साथ में ओले भी गिरने लगे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ओले गिरे हैं, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देख सकें। और ये दे डॉगी भी छुपने चले आए हैं, भीग रहे थे। और ये देखिए ओले जैसे रोड और पार्क में जैसे भीग गए हैं, जैसे सफ़ेद फूल कलियां नहीं गिरती उस तरह से, कितने सुंदर लग रहा है, और बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है। ये देखिए ये काफ़ी बड़े ओले गिरे थे, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बहुत ही ज़्यादा नुकसान लोगों का हो गया है इसमें। और ये देखिए डॉगी भी भीग रहा था, तो छुपने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है। रोड पे देख, और ये देखिए काफी तेज ओले पड़ने लगे हैं, और हवा भी बहुत तेजी से चल रही है। और बाहर का नज़ारा देखने के बाद हम किचन में आ गए हैं, क्योंकि शाम का समय हो गया है, और हम फटाफट चाय तैयार कर रहे हैं। और शाम के नाश्ते में आज हम हल्का ही बना रहे हैं, लैया का नाश्ता है ये, नमकीन, और जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और ये जल्दी तैयार हो जाती है। वैसे तो सभी की डिमांड थी पकौड़ी खाने की, मगर शाम का भी कुछ इसी तरह का खाना बना रही मैं पकौड़ी वाला, और इसी मारे मैंने इसको हल्का नाश्ता रखा है। और इस तरह की नमकीन अक्सर बना के आप रख लिया कीजिए, जो कि कभी जैसे मन नहीं है कुछ खाने का, हल्का खाने का मन है, तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और मूंगफली दाने हमारे भुन गए हैं देखिए, और इसको धीमी धीमी आंच पे भुनना चाहिए, क्योंकि मूंगफली बहुत जल्दी जल जाती है, और बाद में भी इसका प्रोसेस रहता है, गर्म होती रहती धीरे धीरे, इसलिए इसको कम ही भुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसमें करी पत्ता डाल रहे हैं, जो कि करी पत्ता का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और इस तरह की नमकीन बनाते हो तो हम करी पत्ता जरूर डालते हैं। और ये मेरी नमकीन तैयार हो गई है, और इस पे नमक डाल रहे हैं। उधर चाय भी खोल रही है, इसमें दूध डालने वाले अब हम। और इधर हमने चाय में दूध भी डाल दिया है, और फटाफट हम अब नाश्ता निकाल रहे हैं। और ये देखिए हमारा चाय नाश्ता तैयार है, और जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम को देखते हुए गर्म गर्म चाय पीने का मज़ा ही और होता है। और इधर चाय पी के हम किचन में फिर आ गए हैं, क्योंकि हमको सब्जी बनानी है,
और कई दिन से मेरे घर में डिमांड चल रही थी कि दाल की सब्ज़ी खाने की, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से ये सब सब्ज़ी खा के मन उब गया था। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेल, जो हम लोग करेल कहते हैं, और आप लोग इसको क्या कहते हैं आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि आप लोग इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। और हमने तैयारी पहले से करके रख ली थी सारी, और हमने पिसा हुआ मसाला जो है दाल में थोड़ा डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फेंटने से दाल उठ जाती है, इससे पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी और फटाफट हम इसे पकौड़ी चुआ रहे हैं। और देखिए, ये जितनी पकौड़ी चू रही उससे ज़्यादा तो गायब हो जाएगी, क्योंकि ये पकौड़ी जब बनती है तो बहुत ही खाने टेस्टी लगती है। और सभी की डिमांड पकौड़ी खाने की थी, वो भी हमने पूरी कर दी है खिला के। और ये देखिए कितनी लाल लाल पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। उसी तरह हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। और आप भी कभी इस तरह की खाली पकौड़ी बना के खाइए, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसी कढ़ाई में हम इसको तड़का देंगे। देखिए, हमने इस सब्ज़ी में मेथी का तड़का दिया है, और दाल की सब्ज़ी या कढ़ी में अगर मेथी का तड़का दीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेथी हमको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि जले ना, जलने से इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट है, उसी में हल्दी मिर्चा धनिया सब डाल दिया है, और इसको हमने पकने के लिए चढ़ा दिया है। उधर हमने चावल भी गैस पर रख दिया है, जिससे फटाफट हमारा सब्जी चावल एक साथ बन जाए। और करेल के साथ में चावल का मज़ा ही और होता है। उधर हमने आटा सान के भी रख दिया है। और इधर मेरी सब्जी और चावल हो रहा है, जब तक हम जाके बर्तन साफ करके रख दिए हैं हमने। और सब्जी का मसाला मेरा तैयार हो गया है, इसमें नमक डाल दिया हमने। और जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसी में थोड़ा सा घोल छोड़ दिया जाता है सब्जी को गाढ़ा करने के लिए। और इधर हमने पानी डाल के वो भी चढ़ा दिया है। और इस सब्जी का जो घोल होता है उसको काफ़ी देर अच्छी तरह से पकाना होता है, क्योंकि कच्चापन बिल्कुल भी ना रह जाए, क्योंकि कच्चापन रह जाएगा तो सब्जी वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। और देखिए पक रहा है मेरा घोल। इसके लिए थोड़ा बर्तन बढ़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि घोल पक के ऊपर आता है। और हमने सारे पकौड़ी डाल दी हैं, इसको फिर पकने के लिए चढ़ा दिया हमने। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। इसमें गरम मसाला और धनिया डाली, जिससे टेस्ट और बढ़ जाता है। और हमारी सब्जी बनके तैयार है। इधर हम फटाफट रोटी सेक के खाना निकालेंगे, क्योंकि रात हो गई काफ़ी, और तवा चढ़ा हुआ है, और हम रोटी सेक रहे हैं फटाफट। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप उसको पूरी देखा कीजिए, और अगर कोई कमी रह जाती है तो आप ज़रूर हमको लिख के बताइए कि कौन सी कमी रह गई, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं इस वीडियो को। और ये देखिए मेरी रोटी सिक रही है फटाफट। और कई लोग सब्सक्राइबर जो हैं, जो वीडियो देखते हैं हमारे, इस पर कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हमको देखना पसंद करते हैं, और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि आप अच्छी वीडियो बना कीजिए, और बना रहे हैं, और आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के हम आपको दिखाते रहेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए। और ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी तैयार हो गई है। इधर मेरी सारी रोटियां सिक गई हैं, और हम खाना निकाल रहे हैं।
और इधर मेरा खाना निकल गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।